आप जैसे जानते हैं कि इस चैनल पे हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, अर्थात वो एग्ज़ाम जो आने वाला है, क्लियर, जो कुछ दिन बाद आने वाला है, उस एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाते हैं। तो गाइज़, आज मैं सागर ध्यानी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ, जो कि आपके पशुधन प्रसार अधिकारी, फॉरेस्टर और कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी संबंधित है गाइज़, और बायोलॉजी में एनिमल किंगडम से संबंधित है, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स के आते ही हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। साथ ही गाइज़, यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है, जिसमें मैंने इस किंगडम को पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है, किंगडम में फाइलम्स को, प्रत्येक फाइलम को डिफ़ाइन किया हुआ है, और उनके क्लासेस को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, उनके एग्जांपल बताए हुए हैं, वो आप जा कर के देख सकते हैं। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारी हैं यानी कि मैमल्स आर, तो मैमल्स आर क्या हैं आपके? वेल, कंगारू और एकिडिना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीन आपके स्तनधारी थे। नेक्स्ट है, सीलेंट्रेटा में कौन से वर्ग में बहुरूपता पाई जाती है? तो सीलेंट्रेट्स का एक वर्ग होता है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ, इसमें बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजोआ में कौन सा सदस्य आता है? तो वो आपका हाइड्रा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजोआ, हाइड्रा। नेक्स्ट है, सभी त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, तो सभी त्रिस्तरीय जंतु आपके द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। त्रिस्तरीय माने जिसमें जो आपके ट्रिपल लेयर्ड के होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों प्रकार की लेयरें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली किस गण का सदस्य है? छिपकली यानी घरेलू छिपकली की बात कर रहे हैं, यानी कि हेमिडेक्टाइल की बात कर रहे हैं, जो कि स्क्वामेटा ऑर्डर का क्या होता है, सदस्य होता है। साथ ही ध्यान दीजिए, ये आपके रेप्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट है, सैंड मक्खी फैलाती है, तो सैंड मक्खी कालाजार फैलाती है। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तिलचट्टा था। तंत्रिका वलय, तंत्रिका खंड मिलते हैं, देखिए तंत्रिका वलय व खंड मिलते हैं हाइड्रा में, लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल और कैल्शियम युक्त कवच मिलता है, तो मोलस्क का संघ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कैल्शियम युक्त कवच, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का। पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो इकाइनोडर्मेट्स में स्टारफिश का उदाहरण आप देख सकते हैं, किसमें पुनरुद्भवन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास पूर्णतः समुद्री संघ है, तो इकाइनोडर्मेट ही आपका पूर्णतः समुद्री संघ है। किस पक्षी के चोंच में दांत पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन था आर्क्योप्टेरिक्स। देखिए गाइस, आर्क्योप्टेरिक्स आपका सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पक्षियों में ध्वनिकोश होता है, तो सायरिंग्स पक्षियों में ध्वनिकोश होता है। बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, तो ओनली मैमल्स में जितने भी सदस्य आते हैं उनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। समतापी जंतु, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेल, कबूतर और चमगादड़ थे। शरीर खंडों में बटा होता है, तो एनिलीड्स, जहाँ आप क्या देखते हो, मेनली केचुए का उदाहरण देखते हो। नेक्स्ट है, मछलियों की हृदय की विशेषता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस संघ के सदस्यों में शरीर में छिद्र पाए जाते हैं? तो पोरिफायरा में छिद्र पाए जाते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम नाम से आपको पता होगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो जाति, जाति आपकी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, जाति, स्पीसीज। पिसीज अथवा मत्स्य वर्ग का सदस्य है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दरियाई घोड़ा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसान का मित्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन का निर्माण करता है मृदा में, केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मृदा को पलटने का कार्य करता है, मृदा को फर्टाइल बनाता है, ऑक्सीजन जिससे क्या हो पाए, मृदा के रंध्रों में पहुँच पाए। तो गाइज, आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए, आपको पर डे वीडियो मिलती रहेगी, एग्रीकल्चर से संबंधित, उत्तराखंड के एग्ज़ाम से संबंधित, और साथ ही आपके बायोलॉजी से संबंधित। तो गाइज, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है, कमेंट सेशन में करना है इसका जवाब।
कौन सा जंतु किलोनिया गण का होता है? आप पिछली वीडियो देखी होगी तो ज़रूर बताओगे, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो ज़रूर देखें और तब उसका आंसर बताएं। तो गाइज ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।